आज हम बात करने वाले हैं M3M द लाइन की। जैसा कि आपको पता है, M3M ने नोएडा में अपना दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है सेक्टर 72 सेंट्रल नोएडा में। जैसा कि आप जानते हैं, सेंट्रल नोएडा फुल्ली ऑक्यूपाइड एरिया है, 95% ऑक्यूपेंसी वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। कई सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लाइक मेघदूतम, महागुल मेपल, महागुल मेस्ट्रो, मेट्रो निकेतन, अम्रपाली, ईडन पार्क, ओमेक्स ट्विन टावर, जैसे कई सारे रेजिडेंशियल एरिया आसपास में पड़ते हैं। जो हमारा M3M का लाइन है, ये मेन बेंगोन रोड पे है एंड इसके सामने आपको 105 मीटर की वाइड रोड देखने को मिल जाती है। साइड ओपन प्लॉट है एंड जो हमारा लैंड पार्सल है वो 3 एकड़ का है। तो लोकेशन बहुत ही प्राइम है, मेट्रो सेक्टर दोनों आपको वॉकिंग डिस्टेंस में देखने को मिल जाते हैं। सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन एंड सेक्टर 51 का मेट्रो स्टेशन दोनों वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं एंड जो सोसाइटी है वहाँ की बहुत ही प्राइम सोसाइटी है। तो आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा हिट करेगा। अभी हमने इसके अंदर आपके पास कुछ फूड कोर्ट कियोस्क के ऑप्शंस लेके आए हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 1 crore के अप्रोक्स, जिसमें आपको केवल अभी 40 से 45 लाख रुपए देने हैं और बहुत ही अच्छा ROI इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है नोएडा में कोई भी अच्छा फूड कोर्ट नहीं है जहाँ पे आपको लगभग इतनी इन्वेस्टमेंट के अप्रोक्सीमेटली मिले। जो भी फूड कोर्ट में इन्वेस्टमेंट होती है वो लगभग 2 से 2.5 crore की अप्रोक्सीमेटली होती है। गार्डन गरीलिया आप देख लीजिए, और ऐसे किसी भी फूड कोर्ट के प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हाई टिकट साइज होता है। रतन कुंज आपके लिए लेकर आया है लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जीते बेहतरीन इनाम। M3M ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया, जैसा कि आपको पता है M3M गुड़गांव का किंग है एंड नॉर्थ इंडिया का करंटली सबसे बड़ा डेवलपर है। M3M ने नोएडा में ये दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। जो लोग M3M के पहले प्रोजेक्ट M3M द कलिनन सेक्टर 94 में इन्वेस्ट कर नहीं पाए थे या किसी कारणवश नहीं इन्वेस्ट कर पाए, उनके लिए दूसरा ऑप्शन है कि वो M3M के प्रोजेक्ट में, क्योंकि M3M A+ ग्रेड का बिल्डर है, तो बहुत ही रिनाउंड बिल्डर के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि प्रोजेक्ट हिट हो। क्योंकि M3M को पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने का, तो वो वहीं ऐसे प्रोजेक्ट लेके आता है जहां चलने की पूरी पॉसिबिलिटीज हो। 94 भी अपने आप में एक अच्छा प्रोजेक्ट था, बट आप उसमें कहीं ना कहीं अगर लेट हो गए हैं इन्वेस्ट करने में तो द लाइन में आप देख सकते हैं। हम इसके अंदर फूड कोर्ट कियोस्क लेके आए हैं, जिसमें स्टार्टिंग साइज अप्रॉक्सीमेटली 350 square feet to 550 square feet जाता है एंड बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है। आपको जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना जल्दी आपका बेनिफिट होगा। कुछ डिटेल्स मैं आपको प्रोजेक्ट की और बता देता हूँ। फूड कोर्ट कियोस्क के अंदर आपको 40-30-30 का पेमेंट प्लान देखने को मिल जाता है। 40% आपको अभी देने हैं, जिसपे बिल्डर आपको 12% का गारंटीड एश्योर रेंटल भी देता है टिल पजेशन एंड पजेशन के बाद 135 rupees पर स्क्वायर फीट की पर मंथ गारंटीड लीज भी प्रॉमिस करता है। तो ये एक बहुत ही सिक्योर एंड रिलायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप इसे जरूर देख सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट में अदर डिटेल्स की मैं बात करूँ तो आपको प्रोजेक्ट में रिटेल स्टोर, हाइपरमार्केट, एंकर स्टोर, स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी कई सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बट प्रोजेक्ट में स्टूडियो अपार्टमेंट ऑलरेडी सोल्ड आउट है एंड रिटेल शॉप्स भी बहुत ही लिमिटेड बची हुई है। एंड सबसे जो हमारे पास कम इन्वेंट्री है वो फूड कोर्ट कियोस्क में है, जो कि हमारे पास 3rd floor पे होगा। 4th floor पे हमारे पास रेस्टोरेंट होगा जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है। 3rd floor पे फूड कोर्ट कियोस्क में इन्वेस्ट करने के लिए दिए नंबर पे कनेक्ट कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, उसके लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वैसे आपका कोई सुझाव हो या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।